अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का शुक्रवार रात निधन हो गया। 94 वर्ष के जॉर्ज बुश ने अपनी पत्नी बारबरा बुश के निधन के करीब 8 महीने बाद अंतिम सांस ली। बुश फैमिली के स्पोक्सपर्सन मैकग्रेथ ने शुक्रवार देर रात इस बात की घोषणा की। मैकग्रेथ ने उनके बेटे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बयान ट्वीट पर जारी किया, जिसमें कहा गया, Jeb, Neil, Marvin, Doro, and I are saddened to announce that after remarkable 94 years, our dad has died. George H.W. Bush was a man of highest character and the best dad a son or daughter could ask for. The entire Bush family is deeply grateful for 41's life and love for the compassion of those who have cared and prayed for dad. And for the condolences of our friends and fellow citizens. उन्होंने अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति के रूप में 1989 से लेकर 1993 तक सेवाएं दी। उसके 8 वर्ष बाद उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने। आपको बता दें कि 1991 के गल्फ वॉर में अमेरिका को मिली सफलता के बाद सीनियर बुश की लोकप्रियता और बढ़ गई थी। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करते हुए सीनियर बुश को डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बिल क्लिंटन के सामने हार का सामना करना पड़ा था। बुश टेक्सास कांग्रेसमैन, सीआई डायरेक्टर और रोनाल्ड रेगन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो माना जाता है।